वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग आए हुए हैं मदीना रेस्टोरेंट और ये है हाईवे पे। तो आज हम यहाँ पे खाएंगे बलोची बोटी और बहुत ज़बरदस्त होती है। जो जो हम खाएंगे हम वो आपको दिखाएंगे। तो चलें लेट्स गो, अंदर चलते हैं। मैं भाई ये झूले बच्चों के लिए एंजॉयमेंट है फुल। और ये भी एक जंपिंग लगा दिया इन्होंने यहाँ पे। बहुत ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है यहाँ का। ता ये जंपिंग आपके लिए यो, लेकिन खाना तो खा नहीं सकती हो। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है कि क्यों नहीं खा सकती है? वो कब बताओगी? वो घर जाके बताएंगे। घर जाके बताएंगे विद प्रूफ। हाँ विद प्रूफ। मुंह से क्या निकला था? हीरा। तो हम आप लोगों को हीरा दिखाने वाले हैं ना? नहीं। हीरा का है ना, रखा हुआ है ना हीरा। रखा हुआ है ना हीरा। तो थोड़ी देर में हीरा दिखाने वाले हैं। संभाल के, लेकिन हाँ संभाल के लगे। जाहिर सी बात है कौन रखता है हीरा, फेंक दिया जाता है हीरा। तो फिलहाल जो है अभी तो खा नहीं सकती हो, कुछ भी नहीं खा ला सकती तुम ना। कोशिश करोगी? चलो कोशिश करके देख लेते हैं ना किसी तरीके से। सही है सही है। तो तुम्हारे लिए जो है मलाई बोटी मंगा लेते हैं, ताकि तुम मलाई के साथ जो है ना बोटी खा लो और हम खा लेते हैं बिहारी बोटी। सही है। तो फिर मिलते हैं बिहारी बोटी के। तो बलोची बोटी वही वही वही। तो फिर मिलते हैं बलोची बोटी के साथ। क्या कर रहे हैं? मैं टॉफी खाया। कौन सी वाली खा रहे हो? चॉकलेट खा रहे हो? नहीं। तो ब्लैक ब्लैक चॉकलेट सही है। और मैं खाऊंगा आज टाइम बाइडर। हाँ सही है। यहाँ पे बैठे हुए हैं इब्राहिम। इब्राहिम आप क्या खाएंगे? हैं ये फीडर पिएंगे। ओए हो हो, ये फीडर पिएंगे। अच्छा जी फीडर आई इब्राहिम। हेलो हेलो, इधर भी देख लो, वो झूले देख रहा है। अच्छा झूले झूल रहे हैं। झूले झूल रहे हैं नहीं नहीं झूला झूलना है ना इसको। तो फिर झुलाते हैं थोड़ी देर। अच्छा जी, तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये आ गई बलोची बोटी। लेकिन ये बलोची बोटी जल्दी जल्दी अपनी अपनी प्लेटों में सबने बढ़नी है। तो यहाँ पे रह गई ख़त्म और ये है रायता जो कि ख़त्म हो चुका है। तो आप लोग ये देखें, अब हम कर रहे हैं शुरू खाना। देखते हैं तहा फुल इंजॉय कर रहे हैं ये जंपिंग में आ चुके हैं तहा। और आप लोग देख सकते हैं तहा बड़ा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़े आ रहे हैं तहा के। तहा इंजॉय कर रहे हो खूब हैं? तो यहाँ देख सकते हैं आप तहा फुल इंजॉय कर रहे हैं, फुल उछल रहे हैं। और अब कह रहे हैं मुर्तजा कि मैं भी आऊँगा, तो हम जा रहे हैं मुर्तजा को लेने के लिए। आ जाओ भाई मुर्तजा। यहाँ पे जो है मुर्तजा आ चुके हैं, लेकिन मुर्तजा कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं जाना है, इसको लग रहा है डर। और क्या हुआ है? मुर्तजा को लग रहा है डर और मुर्तजा नहीं जा रहे हैं अंदर। तहा वो देखो, भाई को देखो, भाई को देखो, तहा को वो देखो, वो देखो तहा कैसे मजे कर रहा है। नहीं जा रहे, आप भी जाओ जाओ। ये देखो तहा कितने एंजॉय कर रहा है मुर्तजा। ये देखो, ये देखा, जाओ आप भी जाओ मुर्तजा। नहीं जाना? अच्छा नहीं जाना। अच्छा भाई मुर्तजा को नहीं जाना। अच्छा। मुर्तजा और मुर्तजा बैठ गए इस झूले के ऊपर, लेकिन इनको लग रहा है इसके ऊपर भी डर। तो मुर्तजा अच्छा ये देखो नहीं चलाऊं मैं मुर्तजा को, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डर। तो हम लोग वापसी जा रहे हैं। फिर नहीं झूलेगा मुर्तजा ने कह दिया कि भाई मैं नहीं झूल रहा। ये आप देख सकते हैं हाईवे का बहुत मशहूर रेस्टोरेंट है मदीना रेस्टोरेंट 2। और यहाँ पे जो है आप लोगों को दिखाया, जैसे कि यहाँ की जो बलोची बोटी होती है बहुत ज़बरदस्त होती है। तो यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, ज़्यादा रश भी नहीं होता और बहुत ज़बरदस्त सेटअप है यहाँ का। हाईवे का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट है मेरे लिहाज से, क्योंकि यहाँ की जो बलूची बोटी होती है वो बहुत ज़बरदस्त होती है। मुर्तजा हेलो हेलो, देख सकते हैं आप तहा की हरकतें। तहा जो है ना फुल इंजॉय कर रहा है। ये तहा ये क्या हो रहा है? है फुल इंजॉय हो रहा है। घर जा रहे हैं, तो फिर हम घर पे जाते हैं और आपको फिर बताते हैं कि हीरे का सीन क्या है।
हीरे हीरा निकला कैसे? तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। गाइस जैसे कि हमने आप लोगों को बताया था कि घर जाके हम आपको हीरा दिखाएंगे जो सहरा के मुंह से निकला है, तो फाइनली वो टाइम आ गया है। अब हम आप लोगों को दिखाने वाला है हीरा जो जहरा के मुंह से निकला है, इतना बड़ा वाला। ओए होए 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 जी मैडम, हमारे व्यूअर्स को जरा हीरा तो दिखा दे आप। कौन सा हीरा? कौन सा हीरा क्या मतलब? क्या? वही हीरो है यार जो तुम्हारे मुंह से निकला था। हीरो 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 नहीं, हीरा जो डायमंड, यू नो हीरा डायमंड जो तुम्हारे मुंह से निकला है, तो वो हमारी ऑडियंस को दिखा दो, हमारी व्यूवर्स को दिखा दो। इंतजार है, कब से इंतजार है, हमारी पूरी वीडियो देख ली इन लोगों ने इस हीरे के चक्कर में। तो फाइनली वो टाइम आ चुका है, अब जहरा आपको दिखाने वाली है डायमंड। डायमंड वो आप फेंक चुके हैं जो कल डस्टबिन में मैंने रखा था ना, मैंने बताया भी था। अबे यार, तो भाई बताया कब था तुमने मुझे? बताया ही था रात को। देखें गाइस, अब गलती जो है ना अपनी है और मेरे सर टोपी जी नहीं, वही 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 लास्ट वीडियो जाकर देखिएगा, मेरी वो अपनी टोपी मेरे सर, वो वाली वीडियो आपने देखा होगा हमारी जो 14 अगस्त को बनाई थी। अगर आप लोगों को नहीं, अगर आप लोगों ने देखा तो हमारी वीडियोस के लिंक में जाएं, वहां देखें, वहां पे जो है इनकी टोपी जो है मुझे अपने सर पहननी पड़ी। तो आज ये वही कहानी दोबारा दोहरा रही है, इनकी टोपी मेरे सर, ठीक है? बताया बताया कुछ नहीं था, उड़ा के फेंक दिया। रहने दो जी। अच्छा चलो बताया था, चलो ठीक है। तो डायमंड कौन सा डायमंड था वो जरा हमारे व्यूअर्स को बता दो कि वो कहानी क्या है। आ रहे थे तो मैं लेकर आ गई थी। हाँ तो वो कहानी क्या है, कहानी क्या है, कहानी बताओ, पूरी कहानी बताओ। हाँ पूरी कहानी बताओ, हमारे व्यूअर्स को पूरी कहानी बतानी पड़ेगी क्योंकि दर्द हो रहा था। और फिर डेंटिस्ट किया गया, डेंटिस्ट ने कहा कि कीड़ा लगा हुआ है और इन्फेक्शन भी है, तो दांत निकलेगा, तो दांत निकाल दिया और बड़ा पेन हुआ। कल आपने देखा होगा, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। अब आप लोग की दुआओं से लगा शुक्र है, अब बेहतर हूँ तो बोल भी रही हूँ। तो कहानी ये थी कि इनके मुंह से निकला इनका दांत, यानी दांत नहीं दाढ़ निकल गई, पूरी दाढ़ निकाल दी। और अकल तो वैसे ही थी, अब तो पूरी अकल चली गई, ठीक है? कल से जब से बहुत बोलने लगे, बहुत कल से जब से दांत निकला है ना, उसके बाद से जो है ना भोंगों वाली हरकतें हो रही है सारी, भोंगड़ों वाली। खैर गाइस, तो आप लोगों को अगर हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको इसी तरीके के मजीद अच्छे अच्छे से डायमंड देखने हो ना, तो ये जब डायमंड निकलेंगे ना तो इसकी व्लॉगिंग मैं खुद करूंगी। बिल्कुल करना है, लेकिन सामान के लेकर आऊंगी, दिखाऊंगी। नहीं 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 नहीं, इसमें बहुत टाइम लगेगा, अभी तो मैं जवान हूँ, बुढ़ापा आ गया, सारे दांत निकल गए, कितनी दाढ़ें निकली। अच्छा गाइस, यहाँ तो हो गई है फाइट, तो फिर आप लोग कहते चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।